जैसे ही गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, गुप्त साम्राज्य के पतन होने के कारण उस राजनीतिक रिक्तता आ गई। उस राजनीतिक रिक्तता को भरने के लिए भारत में कुछ शक्तियां आईं। तो जैसे वो शक्तियां थी, मैप पे समझना, वो रिक्तता भरने के लिए आया। एक तो जो थानेश्वर है, ठीक है, थानेश्वर में आया, पुष्यभूति वंश जो हर्षवर्धन का वंश था, पुष्यभूति वंश थानेश्वर, ठीक है। मगध में गुप्त अभी भी बचे हुए थे, उनको कहते हैं मगध के परवर्ती गुप्त, मगध के परवर्ती गुप्त। बंगाल में थे गोड वंश। गोड वंश कहां था? बंगाल का। कन्नौज यहां था, कन्नौज में थे मोखरी वंश, कन्नौज का मोखरी वंश। ये कन्नौज हो गया, यूपी का जिला है ना कन्नौज, अलग से ये थानेश्वर, ये कन्नौज, और उत्तर भारत में गुजरात वाला जो एरिया है यहां आ गया वल्लभी का मैत्रक वंश, मैत्रक वंश। अगर आग से पूछे कि गुप्त वंश के बाद भारत के निम्नलिखित भागों में कौन कौन से वंश आए, तो ये पांच आए। थानेश्वर में तो आ गया पुष्यभूति वंश जो हर्षवर्धन का है, थानेश्वर है, जैसे यूपी में दिल्ली के पास में, एकदम दिल्ली का जो दिल्ली से पश्चिमी भाग है यूपी में थानेश्वर, थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। थानेश्वर के बगल में कन्नौज जिला है यूपी में, कन्नौज में आया मोखरी वंश। मगध जो आज का दक्षिणी बिहार है, वो मगध के परवर्ती गुप्त, गुप्तों की एक शाखा थी। बंगाल में गोड वंश और वल्लभी में मैत्रक। तो दो नंबर हो गए कन्नौज के मोखरी, तीन हो गए मगध के परवर्ती, चार हो गया गोड वंश, और पांच हो गया वल्लभी के मैत्रक। इन्होंने वो जो राजनीतिक शून्यता पैदा हो गई थी, उस राजनीतिक शून्यता को भरा। अब क्या होगा कि ये जो समय है ये विकेंद्रीकरण का युग है, और इस युग का अंत कौन करेगा विकेंद्रीकरण का? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, इसका अंत कौन कर देगा? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन का समय है 609 से 647 ईस्वी। इसके बाद जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होगी, आप देखोगे छोटे छोटे राज्य होंगे, और फिर 712 में इधर से अरबों का आक्रमण हो जाएगा ना भारत में, 712 ईस्वी में अरब आक्रमण शुरू हो जाएंगे। इसको अंतिम हिंदू सम्राट कहते हैं। हालांकि एक तो पूरे भारत का, इसको भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहते हैं, तो हर्षवर्धन ना तो पूरे भारत का शासक था ना अंतिम हिंदू शासक था, लेकिन फिर भी इस हर्षवर्धन की महत्ता इस बात को लेके इसलिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। बढ़े आगे, अब पढ़ते हैं पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति, और ये कहां का था? थानेश्वर का। थानेश्वर का पुष्यभूति इस वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। पुष्यभूति के नाम पे इस वंश का नाम हो गया पुष्यभूति। पुष्यभूति के बाद में खूब सारे शासक आए, लेकिन ऐतिहासिक जिसका मानते हैं,
इनमें विवाद भी है जो जो जिसके बारे में थोड़ा सा अपने को ठीक, वो है नरवर्धन। नरवर्धन के बाद में राज्यवर्धन, फिर राज्यवर्धन द्वितीय आया। राज्यवर्धन जो द्वितीय था वो हर्षवर्धन का पिता था, तो राज्यवर्धन सेकंड था ना, ध्यान से देखना, राज्यवर्धन द्वितीय। इसके तीन संतानें थी, एक तो बेटी थी उसका नाम था राज्यश्री, बड़े बेटे का नाम था प्रभाकर वर्धन, सॉरी प्रभाकर वर्धन के ये प्रभाकर वर्धन के संतान थे। प्रभाकर वर्धन के बड़ी बेटी हो गई राज्यश्री, बेटे का नाम हो गया राज्यवर्धन, और एक बेटा हो गया हर्षवर्धन। हुआ क्या, जैसे ही प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होती है, ये राज्यवर्धन हूणों से युद्ध लड़ रहा था उस समय, ठीक है, क्योंकि गुप्त युग जैसे ही समाप्त होगा हूण आ जाएंगे भारत में। हूण मध्य एशिया की बर्बर जाति थी, गुप्त वंश के पतन का बड़ा एक कारण हूण है। हूणों का क्या हुआ कि जैसे हूण आक्रमण इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक शाखा तो चली गई उनकी यूरोप की तरफ, वोल्गा नदी और उधर उनमें यूरोप की उन्होंने ईंट से ईंट बजा के रख दी, एक शाखा आ गई भारत की तरफ, तो भारत में उन्हों को हराया कुमारगुप्त ने और स्कंदगुप्त ने, ठीक है। पहला आक्रमण तोरमान के नेतृत्व में, फिर तोरमान का बेटा आया मिहिरकुल। मिहिरकुल इतना बदमाश व्यक्ति था कि उसको कश्मीर के राजा ने शरण दी तो उसने शरण देने वाले को भी मार दिया। फिर मिहिरकुल को कौन हराएगा, मालवा का यशोधर्मन 532 ईस्वी में। उसके बाद हूणों के पैर उखड़ जाएंगे, लेकिन थोड़े बहुत बचे हुए, उन हूणों को हराने में ये व्यस्त था। तो 606 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। तो जैसे ही मृत्यु होगी, इस राज्यश्री की शादी उन्होंने कर रखी थी, जो इसका विवाह हुआ था कन्नौज का मोखरी नरेश था, कन्नौज का मोखरी राजा ग्रहवर्मन, ठीक है, कन्नौज का मोखरी राजा था ग्रहवर्मन। इस कन्नौज पे आक्रमण करेंगे, देखो दो लोग करेंगे आक्रमण। इन्होंने इन्होंने क्या किया, अपनी बेटी का विवाह जैसे थानेश्वर वालों ने कर दिया कन्नौज के मोखरी वंश पर, इस पर आक्रमण करेंगे दो लोग। वो आक्रमण करने वाले दो लोग होंगे, एक तो ये होगा गोड राजा शशांक, ये आक्रमण करेगा, और दूसरा होगा मगध में जो जो मगध के परवर्ती गुप्त, ये दोनों मिलके, ये देवगुप्त होगा साथ में, ये दोनों मिलके आक्रमण कर देंगे, ठीक है। तो होगा क्या कि इसके ऊपर आक्रमण करेंगे, जो मोखरी राजा था ग्रहवर्मन, इस पर आक्रमण होगा, मिलके करेंगे दो लोग। एक तो होगा मालवा का परवर्ती, मगध का जो परवर्ती शासक था ना, मगध का देवगुप्त, और साथ में लाएगा वो गोड राजा शशांक को, गोड राजा शशांक, ये दोनों मिलके किसको मार देंगे, ग्रहवर्मन को मार देंगे, है ना, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर दोनों मिलकर ये मार डालेंगे कन्नौज के ग्रहवर्मन को, और राज्यश्री को कैद कर लेंगे। इस बात की खबर जब राज्यवर्धन को लगेगी तो उसको गुस्सा आएगा, और राज्यवर्धन क्या करेगा, यहाँ आक्रमण करेगा। कहानी कोई आपसे नहीं पूछेगा, इंटरेस्टिंग है तो मैं बता देता हूँ, सुनने में अच्छी लगती है।
ये आक्रमण करेगा, आक्रमण करके ये देवगुप्त को तो मार डालेगा, देवगुप्त को मार डालेगा, लेकिन जो गोड़ शासक शशांक था वो इससे दिखावा करेगा दोस्ती का, ठीक है, दोस्ती का दिखावा करके संधि करने के लिए बुलाएगा और धोखे से किसको मार देगा, राज्यवर्धन को। यहाँ हर्षवर्धन प्रतिज्ञा करता है, यहाँ प्रतिज्ञा करता है कि मैं धरती को जो गोड़ शासक है उनसे खत्म कर दूंगा। तो यहाँ प्रतिज्ञा लेके वो आता है, तो वो क्या करेगा युद्ध में, फिर फाइनली शशांक को हरा देगा। और ये घटनाक्रम है 606 का। अब पति मर गया, भाई मर गया राज्यवर्धन, तो ये क्या करेगी, राज्यश्री विंध्याचल के जंगलों में पहुंच जाएगी और वहां आत्महत्या करने के लिए चिता सजा ली थी। इतने में ही एक बौद्ध भिक्षु की सहायता से कौन पहुंच जाता है, हर्षवर्धन पहुंच जाता है, उसको बचा लेता है। और बाद में हुआ ये कि जो हेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय, हेनसांग भारत आया था 629 में, हाँ, हेनसांग ये लिखता है कि जो जो कन्नौज का शासन था वो राज्यश्री अपने भाई के साथ मिलकर चलाती थी, तो एक तरीके से इनके साम्राज्य का विस्तार हो गया। लिखो इतनी फिल्मी कहानी है ना, और बिल्कुल राइट कहानी है, इंसान देता है इस चीज का भी, एन मौके पे पहुंच जाता है। ये वीर आदमियों का ही काम है ना, जो कुछ नहीं करता उनको इतिहास में कोई नहीं पढ़ता। लिखो, लेकिन हर्षवर्धन आक्रमण कर गोड़ राजा शशांक को पराजित कर देता है, गोड़ राजा शशांक को पराजित कर देता है, ठीक पराजित कर देता है। इसके बाद कन्नौज का शासन राज्यश्री अपने भाई हर्षवर्धन की सहायता से करते, कन्नौज का शासन, कन्नौज का शासन राज्यश्री अपने भाई हर्षवर्धन की सहायता से करती। हो गया साम्राज्य का विस्तार, ठीक है। देखो अब हर्ष के समय क्या हुआ, हर्ष का जो साम्राज्य था वो इतना बड़ा था, हनेश्वर तो था ही इनके पास, कन्नौज और आ गया, ठीक है, मगध का देवगुप्त मारा गया था, तो ये एरिया भी इनके पास आ गया मगध वाला, बंगाल के गोड़ शासक शशांक को हरा ही दिया था, ठीक है। ये धीरे धीरे करके लगभग हिंसांग ये कहता है कि उत्तर में कश्मीर से लेके दक्षिण में गुजरात का जो नर्मदा नदी का तट था यहां तक हर्षवर्धन का लगभग साम्राज्य था, ठीक है, ये हर्षवर्धन का साम्राज्य था। लेकिन दक्षिण भारत में हर्ष का समकालीन कौन था, वादामी का, वादामी वातापी जो आधुनिक कर्नाटक के बीजापुर जिले में है वहां का राजा था, पुलकेशिन द्वितीय, उससे संघर्ष हुआ, उसमें इसने संघर्ष में हर्षवर्धन द्वितीय को हरा दिया, क्योंकि वो जो पुलकेशिन द्वितीय था वो बहुत शक्तिशाली राजा था। देखो लेकिन दक्षिण भारत में था, यहाँ कर्नाटक में था, वादामी वातापी या बादामी एक ही बात है, और इसका राजा था पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड, और इस पुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा नदी के किनारे इन दोनों का युद्ध हुआ, हर्षवर्धन को हरा दिया, हर्षवर्धन को। ये युद्ध हुआ था लगभग 630 ईस्वी के आसपास। लेकिन मैं कहता हूं ना बार बार, जो हर्षवर्धन का दरबारी है बाण भट्ट, जिसने हर्षचरित लिखी थी, वो इस युद्ध का वर्णन भी नहीं करता, बाकी सारे ये कर दिया वो कर दिया। तो इसका
पुलकेशिन द्वितीय का कौन सा अभिलेख है जिसमें पता चलता है? पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से पता चलता है, ठीक है? इसका पता कहां चलता है? पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से, एहोल बादामी का चालुक्य आज के कर्नाटक के बीजापुर जिले में, जिन्होंने एहोल बादामी और पडटकल में बड़े बड़े मंदिर बनवाए हैं ना, वो पढ़ाऊंगा दक्षिण भारत के इतिहास में। आया इतना समझ में? देखो अब हर्ष के बारे में हमारी जानकारी के स्रोत क्या है, विषय में जानकारी के स्रोत, एक तो उसका दरबारी था, दरबारी कवि कौन था? बाण भट्ट। बाण भट्ट की दो किताबें, एक तो है हर्षचरित और दूसरी कादंबरी, ठीक है? खुद हर्ष के लिए कहा जाता है कि उसने तीन नाटक लिखे, अभी मौजूद है, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। लेकिन ये कहते हैं कि हर्ष ने किसी कवि को दान देके और वो लिखवाए थे, ठीक है? देखो जितने भी राजा है ना, जैसे कुंभा के लिए आ जाता है दान गुरु, हेल गुरु, साल गुरु, चाप गुरु, ये है ना सारी की सारे। शासक को मैं कहता हूँ ना, शासक खुद को शक्तिशाली या गौरवान्वित रूप में ही प्रस्तुत करता है, ठीक है? देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, उनका ड्रेसअप का भी हम लोग कितना ध्यान रखते हैं, ध्यान रखते हैं ना, वो खुद से खुद और भी ज्यादा रखते हैं। तो ये सारे थे। अब माणा कुंभा के लिए संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड़ प्रबंध, गीत गोविंद की टीका और पता नहीं क्या क्या, वो युद्धों में भी वीर था, स्थापत्य के कामों में भी वीर, साहित्य में भी वीर। तो ज्यादातर ये जो बहुत कम शासक थे जिन्होंने खुद से ग्रंथ लिखा, सत्य यही है कि धावक नाम का एक कवि था, उसको पैसे देख लिखवाए, इन एग्जाम में तो अपने को वही लिखना है, ठीक है? हर्ष ने स्वयं ने तीन नाटक लिखे, हर्ष ने स्वयं ने तीन नाटक लिखे, कौन से? नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्ना। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। और जैसे हर्ष के दरबार में कौन कौन था? देखो दरबार में एक तो उसने हिंसांग को भी आश्रय दिया था, और प्रयाग में वो महामोक्ष परिषद करता था, उसका अध्यक्ष बनाया था, बताऊंगा। हिंसांग भी था थोड़े समय के लिए, बाण भट्ट भी था, और मयूर और दिवाकर नाम के दो विद्वान और थे, वो भी थे मयूर और दिवाकर, ठीक है? अब बात आते हैं हिंसांग पर। हर्षवर्धन के समय आया था, आयान किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ये आया 629 में आया और गया ये 644 में, 15 साल रहा। आयान भी 15 साल रहा था, वो 399 में आया और 414 में गया, ठीक है? किस लिए आया था भारत में? जो नालंदा महाविहार है जिसकी स्थापना कुमारगुप्त का श्रेय दिया जाता है, जो नालंदा महाविहार में मायान बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आया, ठीक है? नालंदा महाविहार में मायान बौद्ध धर्म का अध्ययन कर, हर्ष पहले सेव था लेकिन इसके प्रभाव में आके मायान बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। हर्षवर्धन ने
हिंसांग का इतना अधिक आदर किया कि हर 5 वर्ष में वो प्रयाग में एक धर्म सभा बुलाता था, जहां खूब दान देता था, खुले हाथ से साधुओं को देता था, धार्मिक विद्वानों को देता था। प्रयाग वाली महामोक्ष परिषद का इसने हिंसांग को अध्यक्ष बनाया था। ठीक है, अब देखो हिंसांग विदेशी यात्री है, इसलिए हिंसांग का जो भारत के संबंध में विवरण है वो प्रमाणिक हो जाता है। अगर बाणभट्ट का होता तो वो लिखता है ना कि वो एप्लीकेशन द्वितीय से युद्ध में आ रहा, लेकिन दरबारियों की ये लिमिटेशन होते हैं, दरबारी कभी नहीं लिख पाते। ठीक है ना, तो यहां से वहां जाने के बाद, चीन जाने के बाद हिंसांग ने भारत का इतिहास लिखा, और वो उस समय की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दशाओं को लिखा, और वो जो उसमें मुख्य मुख्य बातें हैं वो एग्जाम के लिए आज से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसने एकदम विशुद्ध इतिहास लिखा है। तो दो तीन चीजें हैं, एक तो हिंसांग को 2 बार रास्ते में लूट लिया था, तो इसका मतलब उस समय भारत की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो जो 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 उसने भारत के बारे में लिखा है वो देखो, एक तो उसने शूद्रों को कृषक कहा है, क्योंकि पहले जो इससे पहले का भारत है वहां कृषक कृषि करना किसका काम था, वेश्याओं का काम था, और अब शूद्र कर रहे हैं, तो ये स्थिति स्थिति में बदलाव है। दूसरा, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं होना, और हर्षकालीन भारत का वर्णन, हर्षकालीन भारत का हर्षकालीन भारत का वर्णन, और इसको हर 5 वर्ष में जो महामोक्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में धार्मिक आयोजन करता था। धार्मिक आयोजन, उसको क्या कहते हैं, महामोक्ष परिषद, महामोक्ष परिषद। और इस महामोक्ष परिषद का का भी बड़ा रोचक घटनाक्रम है, तो अन्य विद्वान थे उनको ये बात पसंद नहीं आई, और वहां जो उन्होंने इस महामोक्ष परिषद के जो जो भी टेंट या भवन था उसमें आग लगा दी, तो हर्षवर्धन आया सब धार्मिक विद्वानों के सामने और उनको चेतावनी देते हुए कहा, और ये कहा जाता है कि इसके बाद उसने महायान बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। ये है हर्ष के बारे में सारी डिटेल। एक हर्ष की उपाधि है, हर्ष को कह देते हैं, हर्ष को ही कहते हैं अंतिम भारतीय हिंदू शासक, ये हर्ष को कहते हैं। लेकिन इसका अगर एनालिसिस करें तो ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो इसके बाद में भी हिंदू शासक आते रहे, ठीक है ना, और एक ये पूरे भारत का भी शासक नहीं था। ये यहाँ आके आपका हर्षवर्धन समाप्त होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के बीच में हुआ था? ठीक है।